जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आपका अपने YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रनिंग करने के दौरान अपने स्टेप को कैसे लंबा करें। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं। एक तो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि रनिंग करते समय हमारा स्टेप ही नहीं खुलता है, कौन सी एक्सरसाइज करें। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करते समय हमारा नी उठता ही नहीं है, यानी कि पैर हमारा उठ ही नहीं पाता है, क्या समस्या है, कौन सी एक्सरसाइज करें। दोस्तों वैसे तो रनिंग में स्टेप कैसे खोलें इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप रोजाना करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ रनिंग करते समय आपका स्टेप खुलने लगेगा, साथ ही साथ आपकी रनिंग करते समय स्पीड भी बढ़ने लगेगी। दूसरे नंबर की बात, अगर आपका रनिंग करते समय पैर भर जाता है या रनिंग करते समय आपको अपने पैर कमजोर लगते हैं तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप बॉक्स भी ले सकते हो या फिर कोई ऊंचाई वाली कोई ऐसी चीज ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी रनिंग में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ रनिंग स्टेप को काफी ज्यादा लंबा करेगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है, ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ आएगा कि इस एक्सरसाइज को आपको करना कैसे है। तो दोस्तों जो आपका पैर ऊपर रहेगा वो तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन जो आपका नीचे रहेगा जो पैर वो आपको ऊपर उठाना है कुछ इस तरीके से। रनिंग करते समय अगर आपका पैर नहीं खुल पाता है, इस एक्सरसाइज को रोजाना आप अपने वर्कआउट के दौरान करोगे तो दोस्तों गारंटी के साथ आपका रनिंग में स्टेप खुलने लगेगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के आपको रोजाना कम से कम आपको एक एक मिनट के 3 सेट जरूर करने हैं। तो बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। दूसरी एक्सरसाइज भी आपको इसी पे करनी है और इस तरीके से करनी है। आप ध्यान से देखना, आपका एक पैर तो आपका इस पर रखा ही रहेगा, लेकिन जो आपका पैर नीचे रहेगा वो आपको कुछ इस तरीके से उठाना है। आगे की तरफ खोलना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज को आपको दोनों पैरों से करना है, दोनों पैरों से कम आपको 30-30 रेपिटेशन के 3-3 सेट करने हैं। तो दोस्तों इन दोनों एक्सरसाइज को आपको रोजाना वर्कआउट के बाद करना है और 3-3 सेट जरूर करने हैं। रनिंग करते समय आपका स्टेप भी खुलने लगेगा, साथ ही साथ रनिंग करते समय अगर आपके पैर भर जाते हैं तो ये समस्या भी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बढ़ते हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जैसे हम रनिंग में हाई नी करते हैं ना उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है, लेकिन हाई नी हम कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि जब हम हाई नी करते हैं तो अपने पैर आगे की तरफ खोलना है कुछ इस तरीके से। एक बार और देख लीजिए इस एक्सरसाइज को, ध्यान से देखिए, आपको अपने पैर आगे की तरफ खोलना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज को करते समय आपको अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, अपने पैर ज्यादा तेज नहीं चलाने, आपको अपने बॉडी मूवमेंट पे फोकस करना है, आपको अपने हाथों पे फोकस करना है, मेरा पैर कितना उठ रहा है कितना नहीं उठ रहा इस बारे में आपको फोकस करना है। यानी कि पहले आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सीखो, बाद में इस एक्सरसाइज को स्पीड में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 30 मीटर के दायरे में जब आप वार्म अप करते हो, वार्म अप के बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। तो 3 सेट इस एक्सरसाइज के करने हैं। दौड़ते समय आपका स्टेप नहीं खुलता है तो आपका स्टेप भी खुलने लगेगा, साथ ही साथ रनिंग करते समय अगर आपकी स्पीड नहीं आती है तो दौड़ते समय आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। तो बढ़ते हम चौथी एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्टेप अप एक्सरसाइज करनी है। जिस एक्सरसाइज में स्टेप नाम आ गया तो जाहिर सी बात है आपका स्टेप भी खुलने लगेगा, स्टेप की प्रॉपर एक्सरसाइज है वो। स्टेप अप एक्सरसाइज आपको कुछ इस तरीके से करनी है। दोस्तों ध्यान से देखना है इस एक्सरसाइज को, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और 30 मीटर के दायरे में जब आप रनिंग करने से पहले अच्छे तरीके से वार्म अप करते हो, वार्म अप को कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को 30 मीटर के दायरे में 3 सेट तक परफॉर्म कर सकते हो। रनिंग करते समय आपका स्टेप 100% खुलेगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों पांचवी एक्सरसाइज का नाम है लंजेस। दोस्तों वैसे तो लंजेस आप करते ही होंगे, लेकिन आपको नॉर्मल लंजेस की तरह इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। जब आप लंजेस करते हैं तो आपको अपना फ्रंट वाला पैर उठाना है, फ्रंट वाला जैसे ही पैर आपका उठेगा तुरंत ही आपको जमीन पर पटक देना है। कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है जैसा कि आपको साइड में वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 30 मीटर के दायरे में 3 सेट जरूर करने हैं।
दौड़ते समय अगर आपका पैर भर जाता है या रनिंग में आपकी स्पीड नहीं आ रही है, दौड़ते समय आपका स्टेप नहीं खुलता है, तो ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए और इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सभी 5 एक्सरसाइज अगर आप रोजाना रनिंग करने के बाद करते हो या पहले करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रनिंग करते समय आपका स्टेप जाहिर सी बात है खुलने लगेगा। तो दोस्तों इन 5 एक्सरसाइज को रोजाना आपको अपने वर्कआउट में ऐड करना है, आपकी रनिंग में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, साथ ही साथ रनिंग में स्पीड भी बढ़ेगा, रनिंग में स्टेप भी खुलने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद।